हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसी की क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है केमिस्ट्री से फ्यूल। आज हम इस वीडियो में वो क्वेश्चंस कवर अप करेंगे जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ इन अ केमिकली रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म इज नोन एज। इसका करेक्ट आंसर है सी, एलिमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ फ्यूल आर। इसका करेक्ट आंसर है बी, कार्बन एंड हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूल्स आर यूज्ड इन बॉयलर्स इज। आपका करेक्ट आंसर है ए, नॉन केकिंग बिट्यूमिनस कोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। एंड आपका करेक्ट आंसर है सी, बिट्यूमिनस कोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। आपका करेक्ट आंसर है सी, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। आपका करेक्ट आंसर है ए, कोल गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द फ्यूल मोस्टली यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेस फॉर एक्सट्रैक्टिंग पिग आयरन फ्रॉम आयरन ओर इज। आपका करेक्ट आंसर है बी, हार्ड कोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट फ्यूल गैस रिसेम्बलिंग स्टीम कमिंग आउट ऑफ द चिमनी ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट इंडिकेट्स दैट द फ्यूल यूज्ड इन द बॉयलर फर्नेस इज। आपका करेक्ट आंसर है बी, कोक ओवन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग ऑफ कोल डिक्रीजेस इट्स। आपका करेक्ट आंसर है सी, मिनरल मैटर कंटेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, अ बॉम्ब कैलोरी मीटर इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द डैश कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स। एंड आपका करेक्ट आंसर है ए, हायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विच मिनरल इज नोन एज ब्यूरिट सनशाइन। आपका करेक्ट आंसर है बी, कोल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ कंबक्शन व्हेन गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट इज नोन एज। आपका करेक्ट आंसर है बी, रैपिड कंबक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोमास एनर्जी सोर्स। आपका करेक्ट आंसर है बी, एटॉमिक एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ अ फ्यूल गिव्स पॉइजनियस डैश गैस। आपका करेक्ट आंसर है बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, विच गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन अ रॉकेट। आपका करेक्ट आंसर है डी, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चारकोल कैन बी मेड एट होम बाय बर्निंग। आपका करेक्ट आंसर है बी, वुड इन एब्सेंस ऑफ एयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द बायोगैस यूज्ड फॉर कुकिंग इज अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपका करेक्ट आंसर है बी, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है अ हार्ड कोल कंटेनिंग लिटिल वोलेटाइल मैटर मैटर इज कॉल्ड आपका करेक्ट आंसर है बी एंथ्रासाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस आपका करेक्ट आंसर है ए मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ आपका करेक्ट आंसर है बी ब्यूटेन एंड प्रोपेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका करेक्ट आंसर है सी वार्मिंग ऑफ क्विक लाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है लाइमस्टोन इज अ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय विच इंडस्ट्री आपका करेक्ट आंसर है ए सीमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है डैश डिक्रीजेस द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट आपका करेक्ट आंसर है बी जिप्सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट इज आपका करेक्ट आंसर है ए लाइमस्टोन क्ले एंड जिप्सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है ब्यूटेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल फ्यूल्स एंड आपका करेक्ट आंसर है सी एलपीजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इज नॉट यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स आपका करेक्ट आंसर है बी यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एलपीजी लीकेज कैन बी इजिली डिटेक्टेड बाय डैश स्प्रेडिंग इन द एयर एंड आपका करेक्ट आंसर है बी इथाइल मरकैप्टॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है डैश इज यूज्ड एज फ्यूल विद पेट्रोल इन कार्स एंड आपका करेक्ट आंसर है डी नन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है वोबे इंडेक्स इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपका करेक्ट आंसर है सी गैसियस फ्यूल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है व्हाट इज यूज्ड टू प्रिवेंट फ्रीजिंग ऑफ फ्यूल इन स्पेसक्राफ्ट्स आपका करेक्ट आंसर है डी ग्लाइकोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग लिकर्स मेडिसिन एंड एज अ फ्यूल इन एयरक्राफ्ट्स आपका करेक्ट आंसर है बी इथाइल एल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्लो ऑफ वाटर वेपर ऑन अ रेड हॉट कोक कंबाइंस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस इज कॉल्ड आपका करेक्ट आंसर है डी वाटर गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द लिक्विड मिक्सचर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन इज कॉल्ड आपका करेक्ट आंसर है सी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्रेजेंट्स एंटी एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टीज इन अ फ्यूल आपका करेक्ट आंसर है ए ऑक्टेन नंबर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ कोल हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन? एंड आपका करेक्ट आंसर है ए, एंथ्रासाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग इज द वोलेटाइल फ्यूल? आपका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड हीट बाय बर्निंग आर कॉल्ड? आपका करेक्ट आंसर है बी, फ्यूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इन एयर और ऑक्सीजन? आपका करेक्ट आंसर है ए, कैलोरीफिक वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट्स टू बर्न? आपका करेक्ट आंसर है डी, इग्निशन टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूल एलिमेंट? आपका करेक्ट आंसर है डी, हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल फ्यूल्स इज द क्लीनेस्ट फ्यूल? आपका करेक्ट आंसर है सी, नेचुरल गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फ्यूल इज यूज्ड वाइडली इन स्टीम पावर प्लांट्स? आपका करेक्ट आंसर है सी, कोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोल? और आपका करेक्ट आंसर है सी, मेटामॉर्फिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड पर केजी ऑफ फ्यूल इज नोन एज? आपका करेक्ट आंसर है बी, कैलोरीफिक वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, व्हेन कोल इज फर्स्ट ड्राइड एंड देन क्रश्ड टू अ फाइन पाउडर बाय पल्वराइजिंग मशीन द रिजल्टिंग फ्यूल इज कॉल्ड? आपका करेक्ट आंसर है डी, नन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इज ऑब्टेन्ड व्हेन कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल इज कैरिड आउट एट 500 डिग्री सेल्सियस टू 700 डिग्री सेल्सियस? आपका करेक्ट आंसर है ए, सॉफ्ट कोक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, द हार्ड कोक इज ऑब्टेन्ड व्हेन कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल इज कैरिड आउट एट? आपका करेक्ट आंसर है सी, 900 टू 1100 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीम कोल इज अ आपका करेक्ट आंसर है ए, नॉन कोकिंग बिटुमिनस कोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल पेट्रोलियम मे बी सेपरेटेड इनटू? आपका करेक्ट आंसर है सी, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन, अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग क्रूड ऑयल टू अ हाई टेम्परेचर अंडर अ वेरी हाई प्रेशर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ लाइटर डिस्टिलेट्स इज नोन एज?
आपका करेक्ट आंसर है ए, क्रैकिंग। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री PDF ईबुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। बाकी PDF ईबुक्स पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।